नमस्कार नमस्कार दोस्तों। और आज मैं अपने इस चैनल में कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला में आज मैं फिर सॉल्व करता हूँ। एक अलग से कंप्यूटर की सीरीज बना रहा हूँ जिसमें कि सारे कंप्यूटर के बारे में, जो भी हार्डवेयर के रहते हैं उसमें, जो सारे कुछ जो भी है कंप्यूटर के बारे में, वो सब कुछ मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि देखो जिसको आता है कंप्यूटर के बारे में तो उसको तो कोई नॉलेज की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको तो आता ही है। तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो मतलब अभी ग्रामीण से, जो गांव से, जो हम जैसे लोग जैसे गांव से आते हैं, तो हमको नहीं मालूम था कंप्यूटर के बारे में इतना कुछ होता है। कभी कभी लोग ऐसे पूछ रहे थे व्हाट इज कंप्यूटर, तो जल्दी से हम लोग आंसर दे नहीं पाते थे। तो आज आज क्या है कि आज थोड़ा सा मैं अब जो है, अब जो सेशन है वो मैं अब अपने जो आने वाले गाँव के हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अब ये क्वेश्चन दोबारा कोई पूछे तो बता सके। तो चलिए मैं ये टॉपिक शुरू कर रहा हूँ कंप्यूटर के, और ये खत्म नहीं होगा क्योंकि अभी ये शुरू हो रहा है। कंप्यूटर से मतलब एक हार्डवेयर डिवाइस से, हार्डवेयर से इस लेवल तक ले जाऊंगा कि आपको, अगर आप मेरे चैनल को देखोगे तो आने वाले में मतलब जो भी सारे लोग, कि आप अगर पढ़ते रहोगे तो आपको जरूर ऐसी चीज़ मैं बता दूंगा जो आप कहीं भी जाओगे और आपकी जॉब इजिली मिल जाएगी। क्योंकि हर एक कंपनियों में, हर एक कंपनी जो IT हो, BPO हो या फिर कोई कंपनी, लेकिन एक हार्डवेयर इंजीनियर जरूर चाहिए उनको, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जरूर चाहिए उनको, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है उनके रख रखाव के लिए, कंप्यूटर के रख रखाव के लिए, और इजिली जो उनके इजिली जो प्रॉब्लम आते रहते हैं उनके यूजर्स के, उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो ये लेक्चर है और आज मैं शुरू करने वाला हूँ कंप्यूटर से। तो सबसे पहली बात है व्हाट इज़ कंप्यूटर। मेनली टॉपिक हर जगह क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। जो आज के जो शुरू जनरेशन है, सेकंड थर्ड, आज कंप्यूटर की दुनिया है, हर जगह कंप्यूटर, हर चीज़ में कंप्यूटर, आप कंप्यूटर कुछ भी कर सकते हो, आप एक अच्छे लाइफ भी बना सकते हो। तो आज इसी शुरू करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर 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 इज़ अ, एक बार डिफिनेशन बता देता हूँ, अ कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट सिक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली, एंड मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म ए जनरल सेट्स ऑफ ऑपरेशन नोन एज ए प्रोग्राम्स। दिस प्रोग्राम आर इनेबल कंप्यूटर्स टू परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ ए टास्क। तो ये हुआ कंप्यूटर का डिफिनेशन, जिससे आप जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ये है कि जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक मशीन है दैट कैन स्टोर, उसमें सब कुछ स्टोर है, आप कुछ भी डाटा स्टोर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, आपके जो इनपुट, आप जो इनपुट दोगे वो आउटपुट होके आएगा, आप कुछ भी कर सकते हो कंप्यूटर से, दैट ए कंप्यूटर। कंप्यूटर ये मान के चलिए आप कंप्यूटर एक होता है कि मतलब शॉर्ट टाइम से जानकारी संचित करना, ढूंढने और व्यवस्थित करने में, परिकलन और करने में, अन्य मशीनों का नियंत्रण करने में, और सारे कंप्यूटर ये है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर व्हाट इज कंप्यूटर, ये मैंने डिफिनेशन बता दिया, और ये इसके क्या यूजेस हैं जिससे आप कुछ कर सकते हो, मतलब कंप्यूटर है क्या। तो ये लेक्चर अब इसे ऐसे चालू रहेगा और आज मैं इसी पे खत्म करूंगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अब मैं ऐसी 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 चीज़ें बताऊंगा कंप्यूटर के बारे में जो आपको एक जॉब तक, फाइंड तक आप पहुँच सको। तो थैंक्स थैंक्स नमस्कार।